कोरोना वायरस महामारी से त्वरित गति से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें युद्ध स्तर पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है। देश भर में टीकाकरण शीघ्र अति शीघ्र हो, इसके लिए शासन और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। असम में विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने, इसको लेकर कार्य करने वाले विद्यालय समूह शंकरदेव शिशु विद्या निकेतनों में टीकाकरण केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। गुवाहाटी में राधा गोविंद बरुआ रोड में स्थित शंकरदेव विद्या निकेतन व पानी खेती के पास स्थित शंकरदेव शिशु निकेतन में टीकाकरण केंद्र प्रारंभ हुए हैं। विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री ब्रह्मजी राव ने टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस महामारी में हर संभव सहयोग करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदा समिति, शिशु शिक्षा समिति असम द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,00,000 रुपये का सहयोग मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को प्रदान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले विभिन्न अनुसांगिक संगठन पूरे पूर्वोत्तर भारत में सेवा कार्य में संलग्न है। सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सेविका समिति, विद्या भारती, ये सभी संगठन मिलकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने से लेकर भोजन, दवाई व अन्य सहायता सामग्री के साथ ही टीका सर्व सामान्य लोगों तक उपलब्ध कराने में सेवारत है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।